नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने कई सारे टॉपिकों को अभी तक चर्चा कर ली है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जितनी भी परीक्षाएँ होती है, चाहे वो चपरासी से लेकर के IAS लेवल तक की परीक्षाएँ हों, उन सभी परीक्षाओं में अगर भारत का ज्योग्राफी उसमें सिलेबस है तो सिलेबस में ज़रूर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। इस बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को बहुत आसान तरीके से अगर आपको समझना है तो इस चैनल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको मानचित्र के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आप इसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो चीज़ हमको पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, उनको हम भूल जाते हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन हमारी बनती है, यानी कि हम जो देख करके पढ़ते हैं, मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं जो हमको अक्सर रटाई जाती है, इसमें ये बांध है, इसमें ये बांध है, इससे ये कार्य लिया गया है, इसमें ताप विद्युत ग्रह ये है, लेकिन यहाँ पर हम आपको मानचित्र के माध्यम से बताएंगे कौन सी परियोजना किस राज्य में कहाँ पर है, उसका मैप बना करके, आपको कौन सी नदी पर है उस नदी की भी इमेज बना करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से पूरी चीज़ समझ में आ जाए। तो हमारा टॉपिक क्या है? बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस शब्द को समझना होगा कि बहुउद्देश्यीय होता क्या है। यह एक सवाल है हमारे सामने, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। बहुउद्देश्य होता क्या है? बहुउद्देश्य का सीधा सीधा सिंपल मतलब है, जब हम इस सवाल के अंदर गौर करेंगे, इस शब्द के अंदर गौर करेंगे। एक सवाल से मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो शेर मुनीर नियाजी ने लिखा है। मुनीर नियाजी एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं, बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने एक शेर लिखा है, शेर बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा है कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल, ख्याल कहते हैं सोच को, विचार को, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, मेरे सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, मेरे सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। इस तरीके से अगर ये एक सवाल है हमारे सामने तो हम इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो इस दो शब्दों से मिलकर के बना है, बहु यानी मल्टीपल, उद्देश्य यानी पर्पज। यानी कि एक से अधिक मल्टीपल जब उद्देश्य हों तो उन उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है, जब कोई जो है मीटिंग की जाती है, उस मीटिंग के अंतर्गत उसको जो उसका जो क्या कहते हैं उसको नीति बनाई जाती है, कोई योजनाएँ बनाई जाती है, रणनीति इसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना। यानी कि जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, ऐसी योजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए, बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं होती है अक्सर नदी घाटियों पर बनाई जाती है, क्योंकि नदी होती है, उस नदी का पानी एक डैम बना करके, बांध बना करके रोक लिया जाता है, उस पानी से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति की जाती है देखिए, हम लिख देते हैं उसको। बहुउद्देश्यों में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इम्पोर्टेंट? सबसे पहले मुख्य उद्देश्य उसका होता है सिंचाई। क्या उद्देश्य होता है? सिंचाई। सिंचाई एक विस्तृत क्षेत्र में उस पानी के माध्यम से नहरें निकाल करके सिंचाई आसानी से की जा सकती है, ताकि वहाँ का जल स्तर बना रहे, पेड़ पौधों को वर्ष भर पानी मिलता रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है? बाढ़ नियंत्रण। आपको मालूम है बहुत सारी नदियां भारत में ऐसी है, जैसे दामोदर नदी है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को आसाम का शोक कहते हैं। शोक का मतलब है वहाँ पे ये वर्षा काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जनधन की हानि करती है। तो उस जनधन की हानि को किससे कैसे करती है? वो बाढ़ के माध्यम से। बाढ़ आ जाती है, उस नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है, रिहायशी इलाकों में चला जाता है, जिससे कई सारे जल जो है बस्तियां जलमग्न हो जाती है। तो बाढ़ नियंत्रण, नदियों पे डैम बना करके पानी को रोक लिया तो पानी आगे जा ही नहीं पाएगा, तो इससे बाढ़ नियंत्रण की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है क्या है? पेयजल। पेयजल की आपूर्ति की जाती है। आपको मालूम है हमारे यहाँ बीसलपुर का बांध है, बीसलपुर के बांध से जयपुर भी पानी पी रहा है, अजमेर भी पानी पी रहा है, और इसके आसपास जो टोंक का इलाका है वो टोंक के इलाके में पानी की आपूर्ति की जाती है।
तो बांधों के माध्यम से किसी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है, जहां पर पेयजल साल भर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता वहां। और सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य जो इसका है वो जल विद्युत होता है। ये प्रमुख उद्देश्य होता है इसका, किसी भी बांध को बनाने का। बांध बना दिया जाता है, पानी भरा रहता है दूसरी तरफ, एक तरफ खाली रहता है। एक तरफ से एक गेट खोल दिया जाता है, ऊपर से पानी नीचे जब गिरता है तो नीचे बहुत ज़्यादा स्पीड में गिरता है। जो नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हैं ना झरने के रूप में, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा गार्ज बना देती है वो। फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे तो उसको गार्ज कहते हैं। गार्ज जब बना देती है नदी तो बहुत बड़ा गहरा खड्डा होता है, यानी कि उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी ऊपर से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। तो वहीं पे एक टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन कहते हैं एक चक्राकार पहिए को। तो उस पहिए पे जब पानी गिरता है तो उस पानी गिरने की वजह से पहिया तेज गति से घूमता है। जितनी तेज गति से घूमता है उससे यांत्रिक ऊर्जा बनती है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके जल विद्युत बनाया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। इसके अलावा नहर परिवहन, उससे जो इतना बड़ा डैम बनाया है, डैम का पानी भरा रहता है, उससे कई सारी नहरें निकाल करके अलग अलग शहरों को जोड़ दिया जाता है, जिससे सड़क पर भीड़ यातायात को कम किया जा सके और नहर के माध्यम से उसमें सामान परिवहन वगैरह आसानी से उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जाता है। पर्यटन आप तो जानते ही हो, पर्यटन, कई सारे पर्यटन के उद्योग वहाँ पर खुल जाते हैं। सिंचाई हुआ, बाढ़ नियंत्रण हुआ, पेयजल हुआ, जल विद्युत हुआ, नहर हुआ, पर्यटन हुआ। इसके अलावा वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण बहुउद्देश्य के उद्देश्य बता रहा हूँ मैं आपको। मृदा जो है इसका भू मृदा अपरदन पर रोक लगाई जाती है, मृदा अपरदन पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है जो है बंजर भूमि का विकास। तो ये इतने सारे उद्देश्य हैं, इन इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई परियोजना जब बनाई जाती है तो उन या उस परियोजना को क्या कहते हैं, बहुउद्देश्यीय परियोजना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम भारत की बात करते हैं। भारत में जब बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का विचार आया तो वो विचार लिया गया था अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक टेनेसी नदी का प्रोजेक्ट चलता है वहाँ, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के जब लाभ देखे गए तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में सुना और हमारे यहाँ पर लागू करने की उसकी घोषणा की। तो याद रखिएगा, सन 1948 जुलाई का महीना, 7 तारीख, 7 जुलाई 1948 को भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना, जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, वो शुरू हुई। और ध्यान रखना, पंडित नेहरू जो थे, पंडित नेहरू ने जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पंडित नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसको कहा है पंडित नेहरू ने, वो कहा है बहुउद्देश्य परियोजनाओं। इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका सन भी याद रखना 1948 को, किस नदी घाटी प्रोजेक्ट को देख करके, टेनेसी नदी, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी को देख करके दामोदर नदी घाटी परियोजना का कार्य सौंपा गया था दामोदर घाटी निगम को, दामोदर घाटी निगम, जिसको कहते हैं DVC, DVC बोले तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन को इसका जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलिए इतनी बात समझ में आती है आपको, आगे चलते हैं। देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें इसमें जो है यही है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल है, इसका निर्माण कब किया गया, और दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कार्य DVC को सौंपा गया था, आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पंडित नेहरू ने कहा है, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आती है तो आगे चलते हैं हम। आगे चलिए गुरुजी,
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दामोदर नदी घाटी जो है, इस दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत जो इसकी परियोजना बनाई गई थी, 8 बांधों को, कितने 8 बांधों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, जिसमें प्रथम चरण में 4 बांध बनाए जा चुके हैं और 4 बांध अभी तक बनाए नहीं गए हैं, ठीक है। 8 बांधों को बनाने का प्रस्ताव रखा था, साथ ही साथ 6 जल विद्युत गृह, क्या 6 जल विद्युत गृह का निर्माण इसमें बनाने की बात कही गई थी, और 3 तापीय विद्युत गृह। अब तापीय विद्युत गृह का क्या लेना देना इसमें, तापीय विद्युत गृह का लेना देना इसलिए है क्योंकि ये दामोदर नदी जो प्रोजेक्ट है, सॉरी हम दामोदर नदी पढ़ रहे हैं इसमें, दामोदर घाटी परियोजना, पहली परियोजना पढ़ रहे हैं हम। ये दामोदर घाटी जो परियोजना है, आपको मालूम है ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये भी आप याद रख लीजिए, इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब ये झारखंड और पश्चिम बंगाल कोयला उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, आपको मालूम होगा रानीगंज, कोडरमा, इसके अलावा हजारीबाग आपने पढ़ा होगा, बोकारो वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, कोयला अच्छी मात्रा मिलता है, तो वहाँ पे ताप विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। तो 3 तापीय विद्युत गृह, 8 बांध, 6 जल विद्युत गृह और 1 अवरोधक बांध का निर्माण इसमें किया जाना है, ठीक है, 1 अवरोधक बांध, तो आपको यही याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट 8, 6, 3, 1 बहुत आसान तरीके से आपको याद करवा दूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप इस चीज़ को याद रखना। चलिए अब हम मानचित्र बना लेते हैं, ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे, चलिए हम मानचित्र बनाते हैं झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य का मानचित्र कुछ इस तरीके से है, जब आप मैप में देखोगे तो आपको झारखंड का मानचित्र कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए इस मानचित्र के ऊपर है बिहार, यहां है पश्चिम बंगाल, और इधर भी क्या है, पश्चिम बंगाल, और यहां झारखंड है, और इधर आपको मालूम है उड़ीसा का क्षेत्र है, और इधर आपको मालूम है कौन सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। चलिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार और इधर उत्तर प्रदेश से होती हुई एक नदी आती है यहाँ पर, झारखंड में कुछ बहती है वो, और पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। उस नदी का नाम आपको मालूम है गंगा नदी है, गंगा नदी इधर से आती है उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई झारखंड में कुछ सीमा बहती है, तो यहाँ पर ये बहेगी नदी, और यहाँ पर बहने के बाद जब ये नदी पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, तो पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद इससे पहले इस नदी की एक शाखा हुगली नदी के नाम से, क्या नाम है, हुगली नदी, ये नदी सीधी जाएगी, ये जो है ये बांग्लादेश में जाएगी, ठीक है, हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश में नहीं जाती। हुगली नदी के किनारे याद रखना कोलकाता बसा हुआ है, हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, हावड़ा ब्रिज वगैरह सब हुगली नदी के लिए फेमस है। हुगली नदी है ये गंगा नदी की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे गिर जाती है, पश्चिम बंगाल में बहती हुई, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर, मुद्दे की बात यह है कि दामोदर नदी है, आपको मालूम है कहाँ से निकलती है, बता दिया मैंने आपको पहले वीडियो में, दामोदर नदी रांची के पठार झारखंड के आसपास से निकलती है, जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र से, ठीक है। ये नदी यहाँ से निकल करके किधर चली जाएगी, पश्चिम बंगाल में चली जाएगी और हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 नदियां 3 नदियां और याद रखनी पड़ेगी, 4 नदियां हैं कुल मिला करके, दामोदर है आपकी, बाराकर नदी है, एक बोकारो नदी आपको याद रखनी पड़ेगी, और एक है कोनार नदी। ये 4 नदियों के नाम आप याद रख लेंगे तो आपको ये पूरी घाटी परियोजना आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए एक नदी यहाँ से आती है बाराकर नदी, जो आकर के यहाँ मिल जाती है, इस नदी का नाम क्या है,
बाराकर या बराकर नदी कहते हैं इसको। इस नदी का नाम क्या है? कोडरमा वगैरह जिलों में बहती, हजारीबाग, कोडरमा वगैरह। ये नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी दामोदर नदी। और एक नदी इसमें यहां से मिलती है जिसको बोकारो नदी कहते हैं, और एक नदी इसमें यहां से मिलती है इसको कोनार नदी कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि इसमें 8 बांध बनाने का प्रस्ताव है, 4 बांध फिलहाल बन चुके हैं, 4 बांध अभी तक नहीं बने हैं। कौन कौन से 4 बांध बने हैं देखिए। सबसे पहले एक यहाँ पर बांध है बाराकर नदी पर, जो बाराकर नदी जब स्टार्ट होती है उस दौरान ही यहाँ पर बनाया गया है। इस बांध को तिलैया बांध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? तिलैया बांध। ध्यान रखना, सबसे पहले अगर कोई बांध बनाया गया है इस परियोजना के अंतर्गत तो यही बनाया गया है। कब बनाया गया गुरुजी? 1953 में, ठीक है। 1948 में योजना शुरू हुई थी और 1953 में इस पर बांध बनाया गया था। कौन सा बांध है? तिलैया बांध। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक बांध बनाया गया है इसमें, मैथान बांध। दो बांध बाराकर नदी पर बनाए जा चुके हैं, ठीक है। दो बांध बाराकर नदी पर बनाए जा चुके हैं। इसके बाद एक बांध आप याद रखना, यहाँ पर जब बाराकर नदी और दामोदर नदी का संगम होता है उससे ठीक पहले एक बांध और बनाया गया है, इसको पंचेत पहाड़ी बांध के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर है गुरुजी? दामोदर नदी पर। तीन बांध हो गए। देखिए, बाराकर नदी पर तिलैया है, बाराकर नदी पर ही मैथान है, दामोदर नदी पर कौन सा है? पंचेत बांध। और एक बांध जो है कोनार नदी पर है, यहाँ पर कोनार नदी पर। उस बांध का क्या नाम है? कोनार बांध। बोकारो नदी पर जो बांध है यहां पर एक, उसका नाम है बोकारो बांध। तो ध्यान रखिएगा, ये बोकारो, पंचेत पहाड़ी, मैथान और बाराकर, ये बांध फिलहाल बनाए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये 4 बांध बनाए जा चुके हैं। हमने कोनार बांध भी आपको बता दिया, कोनार बांध कोनार नदी पर प्रस्तावित है। बाकी जो 3 बांध है उनमें एक बुरमा या बर्मा बांध है, बारमो बांध है, वो भी आपका दामोदर नदी पर बनाया जाएगा। एक उसमें एयर बांध है या जिसको अघर बांध के नाम से जाना जाता है, वो भी दामोदर नदी पर बनाया जाना है। और एक जो बांध है उस बांध का नाम है बाल पहाड़ी बांध, जो आपका बाराकर नदी पर बनाया जाएगा। इस तरीके से ये 8 बांध है। 8 बांध की लोकेशन आपको याद नहीं रखनी, केवल 4 की याद रखनी, क्योंकि फिलहाल तक 4 ही बनाए गए। तिलैया बांध बाराकर नदी, मैथान बांध बाराकर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, कोनार और बोकारो नदी, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। सबसे पहले लिखता हूँ मैं बाराकर नदी, इसके बाद दामोदर नदी, इसके बाद कोनार नदी और बोकारो नदी। 8 बांध है पूरे, 8 बांध देख लीजिए कहाँ कहाँ हैं। बाराकर नदी पे 3 बांध है जिसमें 2 बन चुके हैं, एक प्रस्तावित है। 8 बांध है पूरे टोटल प्रस्तावित, जिसमें से 4 बन चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो तिलैया बांध जो है ये 1953 में बना था। कहाँ बना था ये? कोडरमा जिला, ठीक है। बाराकर नदी पर बना हुआ है ये मैथान बांध, को ध्यान रखिएगा आप, नंबर 2 मैथान बांध। ये लगभग 1955 में बंधा हुआ है, ये हजारीबाग जिले में है। कहाँ है ये? हजारीबाग में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। बाराकर नदी पर ही एक और बांध बनाया जाना है जिसको कहते हैं बाल पहाड़ी के नाम से वो जाना जाएगा, ठीक है। इतना आप याद रखना। फिर दामोदर नदी पर 3 बांध है। दामोदर नदी पर 3 बांध कौन से हैं? एक तो पंचेत पहाड़ी बांध, ये भी लगभग 1955 में बना, ठीक है, ये दोनों की सीमा पर है, ठीक है। जब दोनों नदियां बाराकर नदी और दामोदर नदी जब मिलती है तो उनकी लगभग सीमा पर है। पंचेत पहाड़ी बांध हो गया। इसके बाद कौन सा बांध है गुरुजी? इसके बाद है अघर बांध कहते हैं इसको, या कुछ किताबों में एयर बांध भी नाम इसका नाम है। 8वीं कक्षा की जब किताब पढ़ोगे सामाजिक विज्ञान की, NCERT वाली, उसमें एयर बांध के नाम से इसका प्रचलन है।
और एक और बांध है जिसका नाम है बर्मो बांध। क्या नाम है उसका? बर्मो बांध। ये तीन बांध दामोदर नदी पर है, कोनार नदी पर कोनार बांध है, बोकारो नदी पर बोकारो बांध है। ठीक है, बोकारो नदी पर बोकारो बांध। इस तरीके से ये आठ बांध हो गए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। ये आठ बांध, आठों के आठों बांध आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया जाना है या बन चुका है। चलिए अब इसके बाद देखिए, छह जल विद्युत गृह हमने आपको बताए थे, छह जल विद्युत गृह। अब छह जल विद्युत गृह को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपको ये आठ याद हो गए तो छह याद करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें एक तो निकाल दो ये अघर बांध या एयर बांध, एक निकाल दो ये बोकारो बांध। दोनों बांधों को निकाल दीजिए, बाकी जो छः बचे हैं उन छः पर छः जल विद्युत बनाए गए हैं। ठीक है, तिलैया बांध, तिलैया जल विद्युत, मैथान जल विद्युत, बाल पहाड़ी जल विद्युत, पंचेत पहाड़ी जल विद्युत, इसके अलावा बर्मो जल विद्युत और कोनार जल विद्युत। ये याद रखना बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जल विद्युत संयंत्र याद हो जाएगा, ये जल विद्युत संयंत्र है और ये इसके प्रमुख बांध है। आठ बांध, छह जल विद्युत संयंत्र, और इसके अलावा जो तापीय विद्युत गृह है, वो तापीय विद्युत गृह कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। तीन तापीय विद्युत गृह है, तीन तापीय विद्युत गृह, तीन तापीय विद्युत गृह कौन कौन से हैं देखिए। नंबर एक तापीय विद्युत गृह है जिसको दुर्गापुर के नाम से जाना जाता है, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह। दो है चंद्रपुर तापीय, चंद्रपुर तापीय विद्युत गृह। और तीसरा जो विद्युत गृह है उसको कहते हैं बोकारो विद्युत गृह, सॉरी दो बोकारो तापीय विद्युत गृह। ठीक है, तो ये तीन है। एक किताब में मैंने चौथा भी पढ़ा था, महेश कुमार बनवाल की संपूर्ण ज्योग्राफी में, उसमें मैंने एक और पढ़ा था पतरातु तापीय विद्युत गृह, पतरातु तापीय विद्युत गृह। तो आपको ये तीन याद रखने हैं, ये भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख सकते हो अगर बन गया हो तो। फिलहाल मैंने एक ही किताब में पढ़ा है। ठीक है, तो दुर्गापुर, चंद्रपुर और बोकारो, ये इंपॉर्टेंट इसमें तापीय विद्युत गृह है। अब बात कर लेते हैं एक अवरोधक बांध की। अवरोधक बांध बना हुआ है दुर्गापुर में, दुर्गापुर में एक अवरोधक बांध इस पे बनाया गया है जो लगभग 672 मीटर ऊंचा है, सॉरी 672 मीटर लंबा है और 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये अवरोधक बांध है इस पे। तो इस तरीके से ये हमारी दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने झारखंड का नक्शा बनाया है, नक्शे के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, बांध इसमें आठ बनाए गए हैं, बाराकर नदी पर तीन है, दामोदर नदी पर तीन है, कोनार और बोकारो पर एक एक है। जल विद्युत संयंत्र इसमें छः है, केवल अधर एयर को छोड़ना है और बोकारो को छोड़ना है, बाकी छः के छः ऐसे कैसे ही हैं। तीन तापीय विद्युत गृह है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है, चंद्रपुर में है। दुर्गापुर और बोकारो तो आपको वैसे भी याद रखा रहता होगा, क्योंकि जब हम कोयला पढ़ते हैं, उद्योग पढ़ते हैं या फिर लोहे इस्पात उद्योगों को पढ़ते हैं, तो आपको ये नाम तो याद रखने ही होंगे।
क्योंकि आपको मालूम है झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है रानीगंज में, दुर्गापुर एक स्टेशन इम्पोर्टेंट है, बोकारो भी आपको मालूम होगा, इसके अलावा कोडरमा वगैरह ये सब आते रहते हैं। चंद्रपुर आपको नाम याद रखना होगा जो तापीय विद्युत गृह है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि दुर्गापुर तापीय दुर्गापुर अवरोधक बांध इसमें बनाया गया है, ये 1955 में लगभग इसको बनाया गया था, ठीक है 1955 में इसको बनाया गया था। ये बातें आप याद रख लेंगे तो आपका इसमें से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, आज नहीं कल नहीं कभी भी नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।